हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ खुसरो और आप देख रहे हैं के टेक इंडिया। तो दोस्तों, हर किसी के फ़ोन में कुछ ना कुछ प्राइवेट फाइल्स या वीडियोस होती हैं जो कि वो दूसरे लोगों से छुपाना चाहता है। और आप कोई भी फाइल या वीडियोस छुपाने के लिए अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, या तो कोई सिक्योर गैलरी है या फिर कोई और फोटो हाइडिंग टाइप का है। लेकिन आप कितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सेटिंग्स में उसका कहीं ना कहीं क्लू रह ही जाता है कि आपके फ़ोन में कोई हाइडिंग की फाइल है या कोई सॉफ्टवेयर है इस तरह का। और उससे आपके दोस्तों को पता चल जाता है कि आपके फोन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि आप उनसे छुपा रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फाइल्स और वीडियोस को सेफ रख सकते हैं, और वो भी बिना कोई क्लू छोड़े कि आपके फोन में कुछ इस तरह की चीज़ है भी जो आप छुपा रहे हैं। तो कैसे करना है ये वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे और वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है कैलकुलेटर वॉल्ट। तो आप नीचे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन पे। सिर्फ 3 MB का एप्लीकेशन है ये, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाता है जिसमें लिखा होता है एंटर न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। इसका मतलब ये है आपको यहाँ पर वो पासवर्ड लगाना है जो कि आप अपने ऐप लॉकर के लिए डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पासवर्ड लगा दीजिए जो आपको याद रहे और ईजी भी हो। ठीक है, चलिए मैं कोई पासवर्ड रख देता हूँ। मैं तो 1234 रखूँगा, 1234। ठीक है, इसके बाद क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चन, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन मतलब क्रिएट करना है ताकि अगर आप जब भी फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देके अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि योर फेवरेट टीचर नेम, इसने एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ भी और हो सकता है, योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट स्पोर्ट, योर फेवरेट फूड, योर फेवरेट फिल्म स्टार, या कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ फेवरेट स्पोर्ट। मेरा फेवरेट स्पोर्ट जो है वो है क्रिकेट, तो मैंने इसको बना दिया क्वेश्चन। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखने में ये बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेटर लगता है और ये काम भी वैसे ही करता है। देखिए 2 × 2 = 4, देखा आपने, बिल्कुल सेम जैसा कैलकुलेटर काम करता है आपके फ़ोन में वैसे ही ये काम करेगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, जब आप अपना पासवर्ड डालेंगे इसमें तो ये एक वॉल्ट की तरह काम करेगा, यानी कि आपके लिए एक फोटो वीडियो हाइडर की तरह काम करेगा। आप इसमें अपने फोटोज छुपा सकते हैं, वीडियोस छुपा सकते हैं, और वो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कैलकुलेटर के अंदर इस तरह से कुछ छुपाया हुआ है। जब आप इसको खोलते हैं तो इसमें 3 आपको फोल्डर मिलते हैं, डिफॉल्ट, पिक्चर्स, वीडियोज और फाइल्स। पिक्चर्स पे क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है प्रेस प्लस बटन टू एड फाइल्स और क्रिएट फोल्डर्स, यानी कि आप फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप चाहें तो इसी फोल्डर में फाइल ऐड कर सकते हैं। अब इसके प्लस पे क्लिक करके हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमें और मिलते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कैमरा, फोटो एल्बम, रिकॉर्ड वीडियो, वीडियो एल्बम, क्रिएट फोल्डर और क्रिएट टेक्स्ट फाइल, ये 6 ऑप्शंस हमारे सामने आ गए। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, अलग अलग ऑप्शन हैं, सारे ही काम के हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको फोटो एल्बम्स में ले जाता हूँ और यहाँ से कोई फोटो हाइड करके दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं पिक्चर्स में से जाके ये कोई भी फोटोज़ वगैरह अपने हाइड करके दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं एक ये क्लिक कर लेता हूँ, एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ से आप करेंगे तो सारे क्लिक हो जाएंगे, यहाँ से करेंगे तो सारे हट जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए, एक फोटो क्लिक हो गया। अब यहाँ से लॉक का बटन दबाते हैं, अभी हमारा फोटो जो है वो सिक्योर हो गया है और ये आ गया। देख लीजिए, योर फाइल्स आर लॉग एंड स्टोर्ड इनसाइड द एप्लीकेशन इन इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ओके, गॉट इट पे क्लिक करते हैं, यानी इसका मतलब हमारी फाइल जो है वो हाइड हो गई है। अब इसके अलावा जैसे ही आप बैक करेंगे इसको, आप एकदम बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप बाहर आते हैं फिर ये वापस से नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। चलिए वापस से अंदर जाते हैं और कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं। इसके अंदर जाके हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। आप चेंज पासवर्ड तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद आप यहाँ पर अनलॉक विद फिंगर भी कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो। ठीक है, अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन, अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन मतलब, तो आप जब स्टार्ट प्रोटेक्शन को ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई भी सेटिंग्स में जाके आपके इस कैलकुलेटर को अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। इसको अनइंस्टॉल करने के लिए उसको वो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके फ़ोन का पासवर्ड है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड रिकवरी ईमेल, यानी आपको ईमेल रख दीजिए इसमें ताकि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाए तो उसके उस पर आप फॉरवर्ड कर सकें अपना पासवर्ड। फेस डाउन लॉक, फेस डाउन लॉक का मतलब ये है जैसे ही अपना फ़ोन पलट के रखेंगे टेबल वगैरह पे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी एप्लीकेशन। उसके अलावा इक्वल टू अनलॉक, जो आपने इक्वल का साइन देखा था आप उसको हटाना चाहते हैं, मतलब बिना उस पर क्लिक करें अगर आप डायरेक्ट अपना पासवर्ड डालती है अगर जाना चाहें एप्लीकेशन में तो वो भी कर सकते हैं। नाइट मोड है यहाँ पर, स्लाइड शो इंटरवल है, ऐप लॉक सेटिंग है यहाँ पर। ऐप लॉक सेटिंग में देखिए ऐप लॉक टाइप किस तरह का रखना चाहते हैं आप। पासकोड, आपने पासकोड बनाया था आप उसको पासकोड भी कर सकते हैं। इंट्रूडर सेल्फी, इंट्रूडर सेल्फी का मतलब ये है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कोई भी अगर आपके फ़ोन को टच करेगा और इस एप्लीकेशन में घुसने की कोशिश करेगा तो आपका फ्रंट कैमरा जो है उसका ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कि किसने फ़ोन में घुसने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ से आप इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। शटर साउंड को बंद कर दिएगा ताकि किसी को पता ना चले। उसके अलावा टेम्प्रेरी डिसेबल ऐप लॉक, रीलॉक ऐप, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसमें एक बार आप खुद जाके देखिए, खुद एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी।
अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप, उसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, न्यूएस्ट फर्स्ट, ओल्डेस्ट फर्स्ट, और यहाँ से आप इसका थंबनेल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं लिस्ट का, ठीक है। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जहाँ तक मैंने देखा ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि बिल्कुल इसका आइकन भी कैलकुलेटर की तरह है और लिखा भी कैलकुलेटर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका फोन में ये कैलकुलेटर है या कोई वॉल्ट है, सेफ वॉल्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी नीचे ही है और सब्सक्रिप्शन भी एकदम फ्री है। और मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।